कांडी से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। एक दशक से कांडी में बने नवनिर्मित मवेशी अस्पताल उद्घाटन का आज में हो गया जर्जर। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मवेशी सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक दशक पूर्व बनाया गया कांडी प्रखंड की कांडी पंचायत में तालाब के समीप बना मवेशी भवन उद्घाटन की प्रतीक्षा में जर्जर होने लगा है। जहां मवेशियों का इलाज होना था, वहां जमावड़ा लगाकर धूम्रपान के साथ साथ जुआरियों का अड्डा बन गया है। इस बात की जानकारी देते हुए दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा तकरीबन वित्तीय वर्ष 2011-12 में लाखों रुपए की लागत से मवेशी अस्पताल का निर्माण करवाया गया था, परंतु एक दशक से अधिक समय बीतने को है, अभी तक भवन का उद्घाटन तक नहीं हो सका है। नतीजा ऐसा है कि मवेशियों का इलाज करने से पहले ही यह भवन खुद रोग का शिकार हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कि आज तक अधिकारियों का भी ध्यान मवेशी भवन पर नहीं गया है, जबकि भवन कांडी बाजार से पश्चिम तालाब के समीप निर्माणाधीन कांडी भवनाथपुर मुख्य मार्ग के बिल्कुल किनारे है। अब तक इस भवन में कोई चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों का प्रतिस्थापना नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण है कि इस पर ना तो जनप्रतिनिधि का ध्यान है और ना ही अधिकारियों का। मवेशी अस्पताल के डॉक्टर व कर्मी किसी तरह के से पुराने जर्जर भवन में रहकर अपना गुजर बसर कर रही हैं और प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मवेशियों के देखभाल कर रहे हैं। संबंध में दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अमित कुमार ने सरकार व प्रशासन से मवेशी भवन की मरम्मत कराने की अपील की है, ताकि अस्पताल कर्मियों को रहने की सुविधा मिल सके। दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कांडी प्रखंड के कांडी पंचायत के ढबरिया गाँव स्थित सरकारी मौसी हॉस्पिटल का स्थिति इस तरह से है कि आप देख सकते हैं, तकरीबन 8 से 10 साल पहले ये भवन का निर्माण हुआ था, जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है और हमें नहीं लगता है कि आगे भी ये होगा, क्योंकि इसके जो निर्माणकर्ता थे उनका अता पता नहीं है, ठेकेदार का अता पता नहीं है, कहाँ आ गए कुछ अता पता। तो ये मवेशी जो अस्पताल बनाया गया है नया 8 से 10 साल पूर्व, तो अब जब इसमें मवेशी डॉक्टर नहीं रहते हैं क्या? नहीं रहते, इसमें मवेशी हॉस्पिटल नहीं रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पुराना मवेशी हॉस्पिटल है, इसी में रिपेयर करके लोग, ये डॉक्टर लोग रहते हैं, क्योंकि ये अभी तक अच्छी तरह से बना ही नहीं है, तो इसमें लोग रहेंगे कैसे? आप देख सकते हैं कार्य अधूरा है, ना दरवाजा एक दो ठे लगा हुआ है, खिड़की नहीं है, उधर में एकदम से अधूरा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ लेटरिन बना हुआ है, जिसको कि कभी भी लोग, ये मतलब नया भवन नाम का बन गया, नया भवन अभी नाम का बन अभी गया। तक से उद्घाटन भी नहीं हुआ इसका, नहीं। और ये जर्जर होकर के गिर गया। देख सकते हैं उसमें दरारें पड़ गई हैं, आप देख सकते हैं उसमें दरारें पड़ गई हैं। और इसमें आपका क्या कहना है? कहना ये है कि ये जो भवन है, इसका जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। और निर्माण तो हो चुका है और बर्बाद भी हो गया, अब इसमें आगे क्या करना है? तो अब आगे आपको इसको क्या करना है, मरम्मती करवाना है, क्या करना है? हाँ, मरम्मती होगा तभी तो आखिर इसमें डॉक्टर बैठ पाएंगे। आखिर बना है तो किस लिए बना है? क्या डॉक्टर लोग कुछ कहते हैं पुराने भवन में आप लोगों से? नहीं, अभी तो कुछ हम पूछे नहीं है, इसके विषय में हम पूछेंगे। देखिए, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें लोग धूम्रपान करते हैं बैठकर, जुआ खेलते हैं, प्लस में गंदगी फैला दिए हैं, जिससे यहाँ अगल बगल रह रहे लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक दिन का ये मामला है। A&V Films Production एक बड़े स्तर पर डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग का ऑडिशन करवाने जा रहा है, जिसमें विजेताओं को 5 लाख रुपए तक से पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में टॉप 5 में आने वाले प्रतिभागियों को फिल्म, वेब सीरीज तथा एल्बम में कार्य का मौका दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9518833632। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरी
होम साड़ी सेंटर स्टेशन रोड रेहला पलामू विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी जीन्स टी शर्ट लेडीज सूट लहंगा शेरवानी कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673।